सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा भैया। आज की जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग नया सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। प्रभु का नाम लेकर जो है उनकी आज्ञा मिल जाए, आपके जो है गुड विशेज मिल जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया लेबर लॉ 2 को। तो लेबर लॉ 1 जो है हमने तो कर लिया था डिस्कस पिछले सेमेस्टर के अंदर। अब यहाँ पर जो लेबर लॉ 2 क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं है, कंसेप्ट ऑफ वेज। बड़ा आसान यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कंसेप्ट ऑफ वेज। वेज क्या होता है आप खुद ही समझो। वेज, वेज से मतलब किसी को कुछ पैसा देना उसके काम के बदले, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होंगी। चलो, वेज आर कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्राइस ऑफ लेबर। बड़ा आसान हो गया, किसी ने कुछ काम करा है उसको उसका रिवॉर्ड देना, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ कैश या फिर किसी और तरीके से चेक हो गया, पैसा देना बच्ची। सो इट इज़ अ सम ऑफ मनी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर अ सर्विस रेंडर्ड। बड़ा आसान हो गया, उसने काम करा है उसको उस चीज़ का पैसा मिल गया है, बात खत्म, ये वेज हो गई। सो इन इंडिया स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट दैट जस्टिफाई गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द डिटरमिनेशन ऑफ वेजेस। अब इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी स्पेशल होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कंसेप्ट ऑफ वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा ना होना कि उससे मेहनत ज़्यादा करा ली, पैसा कम दिया उसको, या फिर पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया, मेहनत उससे कम करी। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को आना पड़ता है। फर्स्टली, ड्यू टू इन एडिक्वेट लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इलिटरेसी अमंग द वर्कर्स, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज वेरी वीक। वाइस वर्सा या वाइस वाइज द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर, दोनों की यहाँ पर पॉवर्टी मतलब इलिटरेसी रेट जो है यहाँ पर बहुत है, पढ़े लिखे यहाँ पर जो है कम है वर्कर भी और एम्प्लॉयर भी, तो उन दोनों के बार्गेन नहीं हो पाता बेचारों के बीच में। कोई कभी ज़्यादा दे देता, हो सकता है वर्कर जो एम्प्लॉयर को लूट ले, या हो सकता है एम्प्लॉयर जो वर्कर को लूट ले, तो ये चक्कर पड़ जाता है। इलिटरेसी बहुत है और लेबर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर बहुत ही कमी है, यहाँ पर मतलब लीडरशिप नहीं है यहाँ पर ट्रेड्स, तो उस चीज़ के लिए। सेकेंडली, बीइंग डेवलपिंग अ कंट्री द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुड गो ऑन अनहिंडर्ड एंड देयर शुड बी मिनिमम ऑफ वर्क स्टॉपेजेस। यहाँ पर जो है डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पर बहुत ही कम हिंड्रेंस मतलब कि बहुत ही कम रुकावटें जो हैं आनी चाहिए और मिनिमम वर्क स्टॉपेज, कम से कम जो है काम रुकना चाहिए, तभी हम डेवलपिंग से डेवलप्ड तक पहुँच पाएंगे। ठीक है जी। सो थर्डली, द वेजेस शुड बी सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्शियस सोशल पॉलिसी दैट जस्टिस कुड बी डन टू ऑल। वही चीज़ हो गई है सोशली कॉन्शियस पॉलिसी है, मतलब कि सबके साथ इक्वली जस्टिस हो। तो वही चीज़ है, कोई लूट ना जाए, कोई लूट ना ले, वो सारी चीज़ें। सेलेंट फीचर ऑफ द एक्ट, सेलेंट फीचर क्या है एक्ट के, फटाक से ये देख लेते हैं। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर पूरा ये एक्सटेंड करता है, पूरा इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एक्ट प्रोवाइड फॉर द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम टाइम एंड डेट ऑफ वेजेस, मिनिमम पीस रेट। पीस रेट क्या होता है, मतलब कि जैसे होता है ना कभी कभार कि भाई तू 10 टॉफियां बनाएगा तो तेरे को 100 रुपये मिलेंगे, अब पीस रेट हो गया ये, मतलब कि तुम्हें मिनिमम इतना बनाना पड़ेगा तभी तुम्हें इतना मिलेंगे। तो वो मिनिमम पीस रेट को भी फिक्स कर दे, क्या होगा मिनिमम टाइम और डेट ऑफ वेज, कि भाई कितना टाइम बाद तुम्हें वेज मिलेगी, कितने तारीख तक तुम्हें काम करना पड़ेगा कि हर महीने के 23 तारीख को तुम्हें सैलरी मिलेगी, वेज मिलेगी। वो चीज़ पीस रेट के हिसाब से 10 टॉफी हो गए, 100 रुपये हो गए, ऐसा करके। गारंटी टाइम रेट और ओवर टाइम रेट, मतलब गारंटी टाइम रेट कि तुमने अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया है यहाँ पर, काम एक्स्ट्रा करा है, तो उस चीज़ का तुम्हें टाइम का जो है वो मिलेगा वेज। सो द एक्ट प्रोवाइड द मिनिमम रेट ऑफ वेज मे कंसिस्ट ऑफ, भाई जो एक्ट के अंदर है मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है, बेसिक रेट ऑफ वेज एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है जी, तो बेसिक वेज जो होगी और प्लस लिविंग अलाउंस की भैया जी सके, रोटी कपड़ा मकान चल सके इसका। अ बेसिक रेट ऑफ वेज विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाइड टू कंसेशनल रेट। वही चीज़ हो गई भैया, वेज मिनिमम रेट ऑफ वेज तो होगा कि भाई 8,000 तो है गवर्नमेंट ने सेट कर रखा कि तुम्हें देने हैं, या 10,000 कर रखा है, 12,000 कर रखा है। उसके अलावा या तो लिविंग अलाउंस तुम दे सकते हो, ऊपर हमने ऑप्शन में पढ़ा, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है तुम लिविंग अलाउंस ना दो, उसके बदले जो है कंसेशन दे दो कि भैया तुम इतनी चीज़ों को हमारा बेच के आओ लोगों के अंदर, उसके अंदर 10% तुम्हारा, इस तरीके से हो सकता है। तो किसी भी तरीके से मतलब तुम लोग जो है कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है ये। सो द एक्ट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क डे टू प्रोवाइड फॉर वीकली हॉलीडे। ऐसी ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट सेट कर देगी कि एक हफ्ते में 5 दिन वर्क करना है, 6 दिन वर्क करना है, या 7 दिन वर्क करना है, तो उसके अंदर कितने घंटों का एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा, तो वो चीज़ है। अगर यहाँ पर तुम इसको नहीं मानते जो ऊपर एक्ट के चीज़ें दी हुई हैं, तो पनिशमेंट 6 महीने और 500 रुपये या दोनों तक की हो सकती है। काइंड्स ऑफ वेज अंडर द एक्ट, किस किस तरीके की वेज की बाहर यहाँ पर एक्ट के अंदर जो है बातचीत करी गई है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मिनिमम वेज, दूसरा है फेयर वेज, तीसरा है लिविंग वेज। क्या होता है इनके अंदर फ़र्क फटाक से जो है देख लेते हैं। वेजेस मीन्स ऑल रेन्यूमरेशन कैपेबल ऑफ बींग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड बी इफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड।
तो वही चीज़ है, वेज का हमें पता है कि मनी के फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया तू मेरे यहाँ पर काम करेगा, 1 महीने तक काम कर, तुझे 20,000 दे दूंगा, 25,000 दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, तो ये वेज हो गया। बट नॉट इंक्लूड, क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता? एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो हाउस अकोमोडेशन हो गया, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, ये सब की गारंटी जो है एम्प्लॉयर नहीं लेता अंडर द कंसेप्ट ऑफ वेज, ठीक है। अब पीएफ नहीं होता इसके अंदर इंक्लूड, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ग्रेचुटी इंक्लूड नहीं होता, वो होती है सैलरी के अंदर इंक्लूड, जो हमने इनकम टैक्स के उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया, ये हमने जो पढ़ा है ये है भैया हमारा मिनिमम वेज, ठीक है जी। अब हम मतलब मिनिमम वेज हम देखेंगे। अब अ मिनिमम वेज इज सच अ वेज विच प्रोवाइड नॉट ओनली फॉर द बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्कर। तो मिनिमम वेज मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो रोटी पानी ही खा सके या फिर दाल ही खा सके, सिर्फ उसका जीना नहीं, एक प्रॉपर एक प्रिजर्वेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, एक एफिशिएंसी भी उसकी जो है प्रिजर्व हो, मतलब वो एक अच्छे से रह सके। ये नहीं कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक के ही, जितने ही तुमने 4,000 पकड़ा दिए उसे महीने के, नहीं 8-10 हज़ार दो ताकि वो एफिशिएंसी भी कर सके अपनी चीज़ के अंदर, अच्छी चीज़ें लेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड सम मेजर्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अदर एमिनिटीज, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मिनिमम वेज हमें समझ आ गया। फेयर वेज क्या होता है? फेयर वेज इज दैट विच इज अबव द मिनिमम वेज बट बिलो द लिविंग एज। तीन है ना, मिनिमम, फेयर और लिविंग। तो फेयर वेज जो है अबव होता है मिनिमम वेज से, लेकिन बिलो होता है लिविंग वेज से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दस इट लाइज बिटवीन द मिनिमम वेज एंड द लिविंग वेज। द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज दस ऑब्वियसली बी द मिनिमम वेज एंड द अपर लिमिट इज सेट बाई द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। तो बड़ा आसान हो गया, फेयर वेज का मतलब ये हुआ जो इसकी लोअर लिमिट हो गई कि कम से कम 8,000 तो देने हैं, तो वो हो गया मिनिमम वेज की कैटेगरी। और लेकिन अगर अपर लिमिट अगर सेट कर दे कि हम भैया 15,000 से 20,000 तक तुम्हें दे सकते हैं, तो वो हो गया लिविंग वेज। तो ये बीच का कंसेप्ट है, ठीक है। सो इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, वही चीज़ हो गई, इंडस्ट्री और जो भी एम्प्लॉयर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके ऊपर जो है ये चीज़ निर्भर करती है कि वो कितना दे। एंड एट द सेम टाइम द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड हिज फेयर नीड्स फॉर हिज फैमिली शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, वही चीज़ होगा कि भाई किसके बच्चे हैं, 4 यार, ये बड़े मुश्किल है इसको पालना पोसना अपने बच्चों को, उसको तो थोड़ा इसको ज़्यादा दे दो। अब लिविंग वेज, ठीक है जी, लिविंग वेज आखिरी लास्ट है बिल्कुल। इट एनेबल्स अ मेल अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट मेयरली द बेयर एसेंशियल्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर बट अ मेजर ऑफ फ्रूगल कंफर्ट इंक्लूडिंग द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल और सोशल नीड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को। मतलब लिविंग वेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कि 15-20 हज़ार के अंदर भैया वो 8,000 का अपना खाना पीना बढ़िया कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी जो है पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दे, इंश्योरेंस में लगा दे, ये सारी चीज़ें। तो लिविंग वेज एक बेटर सिचुएशन रहती है जिसके अंदर अच्छा खासे वो कमा के घर चला सकते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक वो देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948, क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फटाक से ये देख लेते हैं हम लोग। द कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द एक्ट वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ अजमेर 1955, 1955 का एक केस है। इसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को क्यों चैलेंज किया गया है मिनिमम वेज एक्ट के, दैट इट वायलेट्स द गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। तो ये जो है दिक्कत उनको ये थी कि ये जो एक्ट है ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस को जो है दिक्कत क्रिएट करता है, उसके अंदर परेशानी जो है क्रिएट करता है। सो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड एक्ट है। द कोर्ट सेड इट कैन स्कैर्सली बी डिस्प्यूटेड एंड सिक्योरिंग ऑफ लिविंग वेज टू लेबरर्स विच एंश्योर्स नॉट ओनली द बेयर फिजिकल सब्सिस्टेंस बट ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, वही चीज़ हो गई जो लिविंग वेज के अंदर अपन में पढ़ा है कि भैया बेयर उसकी लिविंग जी सके वो, ये नहीं ये और भी चीज़ों को अच्छी चीज़ें कर रहा है कि भैया वो अपनी फैमिली को चला सके, अपने इंश्योरेंस करा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ करवा सके वो चीज़। सो दिस इज़ वन ऑफ द DPSP एम्बॉयड इन आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP का होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये एक तरीके की स्टेट की भी जो है बनती है, क्या बोलते हैं उसे, लेबिलिटी ऑब्लिगेशन क्या बोलते हैं उसे, मतलब समझ रहे हो ना कि कोई करे भाई वो ये चीज़ प्रोवाइड करवाए अच्छे से ताकि हर कोई अच्छे से अपनी जी सके टेंशन फ्री। सो इट इज़ नेसेसरी दैट रिस्ट्रेंट्स शुड बी इम्पोज अपॉन देयर फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सच रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी एनी सेंस सेड टू बी अनरीजनेबल, ठीक है। सो द रिस्ट्रिक्शन थ्रू दे इंटरफेयर
टू सम एक्सटेंट विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस गारंटी अंडर आर्टिकल 19 के 1 का जी जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और वो सब है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रीजनेबल एंड बीइंग इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आर प्रोटेक्टेड बाय द टर्म्स ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द आर्टिकल 19 वही चीज हो गई। तो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है करा गया है, तो तुम लोग इतने टेंशन मत लो कि तुम्हारे को फ्री ट्रेड और इन सब में जो है दिक्कत आएगी। ठीक है जी, तो यहीं पर इस वीडियो को हम रोकते हैं, आगे के टॉपिक्स को हम आगे अगली वीडियोस के अंदर आगे फर्दर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो ये था जी इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीजन दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूं। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आपको लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी सब्सक्राइब से पहले जो है डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो भैया, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मेरे कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और कॉल बिफोर ऐप का भी। कॉल बिफोर ऐप क्या है भैया, उसके थ्रू जो आप मेरे से डायरेक्टली फोन के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई मेरे से क्वेश्चन सजेशन है कुछ भी पूछना है तो। बाकी भैया सब्सक्राइबर करो, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही। चलो जी, थैंक यू टू बी बेलिंग प्रतीक्षा, मैं साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर। एंड या कोरोना से बच के, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है नया वाला वेरियंट, बहुत लिथल है। चलो बाय बाय। Promise that you'll never be lonely.